बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, आज होली है गाइस। प्रणव भाई बोलते हैं होली क्योंकि हम लोगों को यहाँ गुलाल की बोरी नहीं मिल रही है और गेरू ही गेरू मिल रहा है। देखते हैं गाइस, हम लोगों को यहाँ गुलाल की बोरी नहीं मिल रही, जैसा कि हम लोगों को छतरपुर में मिल जाती है 10 किलो या 15 किलो की बोरी मिल जाती है, यहाँ पे कोई भी बोरी नहीं मिल रहा है, यहाँ गेरू मिल रहा है। तो पहला एक्सपीरियंस रहेगा गेरू के साथ होली खेलने का। तो देख सकते हैं प्रणव भाई, इनका मूड अपसेट है क्योंकि गेरू मिल नहीं रहा, वो सॉरी गुलाल मिल नहीं रहा, गुलाल की बोरी नहीं मिल रही हमें। आज यहाँ से लेके हम 500 मीटर 600 मीटर की दायरे में देख चुके हैं, हम लोगों को बोरी कहीं नहीं मिल रही है गुलाल की। खुला गुलाल मिल रहा है वो भी 150 रुपये किलो, तो इतना महंगा गुलाल कोई ले नहीं सकता। और थोड़े से गुलाल के गुलाल से होली खेलने में हम लोगों को मज़ा आता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम गेरू का ही बोरी लेंगे। क्यों सर? लेंगे वही बोल रहे हैं, देखते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं आपको क्या लेते हैं क्या नहीं लेते। 80 रुपये बोरी, 80 रुपये की। तो यहाँ गेरू लेते हुए गाइस, सब एक बराबर ही हैं, कितने किलो की है? 10 किलो की हमारे नाम मत, अभी मुंह पे मत डालना डालो गेरू की बोरी लेके आओ, पकड़ो भैया को। अभिषेक होने वाला है भाई। बस भाई, आंख मेरी सही हो चुकी है बिल्कुल एकदम। घर में हुआ तो घर तो। और ये गाइस, सभी लोग जल्दी जल्दी बोले, ये इनको कुछ आते नहीं। हाय भाई एमसी शेख, हाय गाइस, भूमिका रिंकू भैया, बोल जल्दी जल्दी। कैमरामैन आयुष अग्नोत्री के साथ बस दो है। नहीं। चेतन भाई इनकी हमने, और इनका नाम नहीं जानते हम, इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। शुभम तो अपना ब्लॉग यही खत्म होता है, उसको तो ले भाई, उसको ले ली। अपना ब्लॉग यही खत्म होता है और चेतन भाई से पूछेंगे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हम लोग उनके साथ। चेतन भाई के हम लोगों ने मेरी माँ देख लेगी।
यही खत्म होता है आप लोग रोड का महोत्सव।